दोस्तों 21वीं सदी में दुनिया के सभी देशों की रक्षा प्रणाली काफी ज्यादा एडवांस और बेहतर हो चुकी है और अब दुश्मन देशों द्वारा भेजे गए किसी भी टारगेट को आसानी से मिसाइल द्वारा तबाह किया जा सकता है। जिन देशों के दुश्मन उस देश के करीब होते हैं या पड़ोसी देश होते हैं उनके लिए कम दूरी की यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिन देशों के दुश्मन अधिक दूर होते हैं उनके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी लंबी दूरी की मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है। ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइलों ने भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ा दी है, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं अन्य देशों के पास भी ऐसे ही या इनसे और अधिक विध्वंसक और घातक मिसाइलें हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ घातक मिसाइलों के बारे में जो चंद मिनटों में ही दुश्मन सेना के दांत खट्टे कर सकती है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। V2 रॉकेट जर्मनी। V2 रॉकेट को आज के मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहा जाता है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया पहला रॉकेट था जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने में सक्षम था। इसे नाजी शासन में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। जर्मनी ने इसका इस्तेमाल लंदन और एंटवर्प में बमबारी के लिए किया था। कहा जाता है कि 3000 V2 रॉकेट ने करीब 9000 लोगों को मारा था। इसके अलावा इसे बनाने के दौरान यातना शिविरों में मौजूद 12000 मजदूरों की मौत हो गई थी। 12500 किलोग्राम वजनी V2 रॉकेट की लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 1.65 मीटर है। ये अपने साथ 1000 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 320 किलोमीटर और इसकी कुल गति 5760 किलोमीटर प्रति घंटा। टॉमहॉक अमेरिका। इस मिसाइल का उपयोग अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक युद्ध में किया था। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मध्यम से लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल है। टॉमहॉक 1500 किलोमीटर की दूरी से अपना लक्ष्य साधकर हमला करती है। इस मिसाइल को पकड़ पाना बेहद मुश्किल है जो छोड़े जाने के महज कुछ ही देर में अपने लक्ष्य को तहस नहस कर देती है। टॉमहॉक ने सबसे पहले 1991 के खाड़ी युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी। फिलहाल टॉमहॉक मिसाइल के 7 संस्करण हैं, जिनकी सबसे बड़ी खासियत उनमें लगे सेंसर हैं, जो दुश्मन को कहीं से भी खोज निकालते हैं। इस मिसाइल को 2000 किलोमीटर की दूरी से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये नौसेना के सभी जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। ये अपने साथ 1000 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस मिसाइल को किसी भी रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। ये मिसाइल 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य को तहस नहस कर देती है। इस मिसाइल में GPS भी लगा होता है, जिसके कारण दुश्मनों का बच निकलना नामुमकिन है। जेरिको 3 इसराइल। दोस्तों इसराइल की हथियार प्रणाली बेहद गोपनीय होती है और जनता के बीच इनकी जानकारी बेहद कम होती है। जेरिको 3 इसराइल द्वारा निर्मित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। ये लगभग परमाणु हथियारों सहित 1000 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 11500 किलोमीटर तक होने का अनुमान लगाया गया है। UGM ट्राइडेंट 2 अमेरिका। अमेरिका हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित की गई ये बैलिस्टिक मिसाइल पानी से भी दागी जा सकती है। चीन के डोंगफेंग 41 से अधिक घातक ये मिसाइल पनडुब्बियों पर भी तैनात है, जिसकी जद में पूरी दुनिया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की रॉयल नेवी करती है। परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को भेजने में सक्षम है। 1983 में विकसित इस मिसाइल को अमेरिकी और ब्रिटिश सेना 1990 से इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मारक क्षमता 7840 किलोमीटर है। M51 फ्रांस। एक फ्रेंच पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। M51 एक फ्रेंच पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है। ये मिसाइल फ्रेंच नौसेना द्वारा उपयोग की जाती है और इसे EADS एस्ट्रियम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज 10000 से 11000 किलोमीटर है और ये मिसाइल फ्रांस को एक सुपर पावर देश बनाता है। M51 को पूरी तरह से समुद्र की गहराई में छुपे पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है और ये 8 से 10 वॉरहेड ले जाने की क्षमता से लैस है। इस मिसाइल में न केवल एक अच्छी रेंज है बल्कि ये फर्स्ट स्ट्राइक रेसिस्टेंस यानी पहले न्यूक्लियर हमले को रोकने के रूप में भी कार्य करता है। डोंगफेंग 41 चीन। चीन में विकसित की गई ये मिसाइल ठोस इंधन से चलने वाली रोड मोबाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल है। डोंगफेंग 41 कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये एक समय में 10 परमाणु हथियारे ले जा सकता है। ये मिसाइल 12000 से 15000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। चीन इसी मिसाइल के दम पर अमेरिका, जापान
और भारत समेत पूरी दुनिया को आंख दिखाता है। R-36 रूस, ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल 16,000 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। परमाणु हथियारों के अलावा दुनिया की सबसे ज्यादा विस्फोटक अपने साथ ले जाने में सक्षम मिसाइल भी है। ये अपने साथ 550 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। ये एक साथ 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इसे शुरुआत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक मिसाइल में तब्दील कर दिया गया था। LGM-30 मिनटमैन अमेरिका। LGM-30 मिनटमैन एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल एक साथ 3 परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये एक साथ 3 शहरों या एक शहर के 3 जगहों हमला कर तबाह कर सकता है। अमेरिकी सेना ने इसे ट्राइडेंट मिसाइल सिस्टम से लैस करके दुनिया की सबसे मारक मिसाइल बना दिया है। फिलहाल ये अमेरिकी सेना में शामिल एक लौती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। निर्भय मिसाइल इंडिया। निर्भय एक सबसोनिक मिसाइल है। ये 0.7 मैक की गति से उड़ान भरती है। ये समुद्र और जमीन की सतह से कुछ ऊपर उड़ान भरती है, जिसके चलते निर्भय मिसाइल दुश्मन के रडार की पहुंच से बचने में कामयाब रहती है। इस मिसाइल को रास्ते में नियंत्रित करने की खास तरह की क्षमता है। मिसाइल को लॉन्चिंग के बाद से ही या अंत में निशाने पर हमला करने के वक्त नियंत्रित किया जा सकता है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग DRDO के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा विकसित एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर द्वारा संचालित किया जाता है। निर्भय मिसाइल 300 किलोग्राम के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और 1000 किलोमीटर के दायरे में स्थित ठिकानों को निशाना बना सकती है। निर्भय क्रूज मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है। इस मिसाइल के सटीक निशाने के लिए इसमें बेहद उच्च स्तरीय नेविगेशन सिस्टम लगा है। ब्रह्मोस इंडिया। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ा दी है। इसे DRDO ने रूस के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम के जॉइंट वेंचर के माध्यम से विकसित किया गया है। ब्रह्मोस को धरती, समुद्र या हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। हाल ही में इसकी रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे रडार की पकड़ में नहीं आती है। ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इसका नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कवा नदी को मिलाकर रखा गया है। दुनिया में किसी भी वायुसेना के लिए ये मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। 22 नवंबर 2017 को भारत ने लड़ाकू विमान सुखोई से ब्रह्मोस को सफलतापूर्वक दागा था। दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2.5 टन था। ये सुखोई विमान पर तैनात किया गया अब तक का सबसे भारी हथियार था। हाल ही में भारत के DRDO ने ब्रह्मोस के एंटी शिप नेवल वर्जन का भी सफल परीक्षण किया था। तो दोस्तों, ये है कुछ घातक मिसाइलें जो चंद मिनटों में ही दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है। आपको इनमें से कौन सी मिसाइल सबसे घातक लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।